नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत का जश्न तो भारत मना ही रहा है, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटरों को भी खूब जश्न मनाते हुए देखा गया। कई दिग्गज पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत की ऐतिहासिक जीत पर खुश दिखे, साथ ही भारत को जीत के बाद उल्टा अपनी यानी कि पाकिस्तान टीम की ही आलोचना करने लगे। इस लिस्ट में एक नाम मोहम्मद हफीज का भी है। मोहम्मद हफीज ने भारत के प्रदर्शन पर खूब तारीफें बटोरी, साथ ही पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट पर उन्होंने निशाना साधा है। एक मीडिया सेशन के दौरान मोहम्मद हफीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारत की सीरीज जीत को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद कप्तान के नहीं होने और कई खिलाड़ियों की चोटिल होने के बावजूद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल की। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके नए और युवा प्लेयरों को काफ़ी अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तभी खेलते हैं। भारत के प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो वहीं पाकिस्तान में केवल टैलेंटेड प्लेयर खेलते हैं। मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम में सुधार की मांग की। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से हमारे पास वो सिस्टम नहीं है जो एक फिनिश प्रोडक्ट बना सके। मॉडर्न डे क्रिकेट में इसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। यही वजह है कि हमारे कई सारे युवा खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। हमारे टैलेंटेड यंगस्टर्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है और उन्हें वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी बनाना होगा। भारत में डोमेस्टिक सिस्टम जिस तरह का है उससे उनके प्लेयर्स को काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, हालांकि पाकिस्तान में उस तरह का सिस्टम नहीं है। आपको बता दें, मोहम्मद हफीज की ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का घरेलू स्ट्रक्चर और पूरा सिस्टम इस समय हिला हुआ है। टीम मैनेजमेंट इतनी वाहियात है कि एक मोहम्मद आमिर जैसे तेज गेंदबाज को मजबूरन संन्यास लेना पड़ता है। ऐसे कई और उदाहरण हैं। खैर, हफीज के इस बयान का असर अगर पाकिस्तान पर दिख जाए तो उनके लिए ही बढ़िया होगा। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।